हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को बाहर लेकर जाएं, जब भी वो ट्रैवलिंग में लेकर जाएं, तो आप जो है क्या क्या सामान लेकर जाएं, उनको कैसे लेकर जाएं, उनकी देखभाल कैसे करें, सारी केयर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। साथ ही दोस्तों, आपको कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन के लिए। तो आप सबसे पहले हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ठाकुर जी के सुंदर सुंदर वीडियोज़ देखने के लिए। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्रेम से जो है आप सभी को देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको काम आई वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। आप सबसे पहले जो ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए एक टोकरी जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को बाहर लेकर जाएंगे। हमने दोस्तों इस प्रकार की जो है प्लास्टिक की टोकरी ली है, ये काफ़ी सेफ़ रहती है और काफ़ी कन्वीनियंट रहती है। इसको जो है हम भीड़ वाले इलाके में भी इजीली ले जा सकते हैं। इसका ढक्कन बंद कर लेंगे तो जो है लड्डू गोपाल जी को हवा भी लगती रहेगी और उनको जो है डर भी नहीं रहेगा उनके गिरने का या फिर कुछ भी। इसलिए हमने इसमें जो है अच्छे से कुशन लगा लिया है, अच्छे से जो है मूड़े सेट कर लिए हैं, जिससे हमारे गोपाल जी जो है कहीं हेले डोले ना, आराम से वो है आराम से बैठे रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार की जो है हमने टोकरी ली है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जो है काफ़ी वैरायटी की मार्केट में आती है, आप उनमें से ले सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आइटम है दोस्तों ये स्लीपिंग बैग। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को जहाँ भी हम रुकेंगे वहाँ शयन कराना होगा रात को। तो देखिए उसके लिए हमने गद्दा लिया है, शीट ले ली है उड़ाने के लिए, एक साइड में जो है पिल्लो लगाने के लिए और उनके सर के नीचे लगाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है स्लीपिंग बैग काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। इसको जो है फोल्ड करके इसमें रबर बैंड बांध लेंगे तो ये आसानी से जो है कैरी कर सकते हैं और बहुत कम स्पेस लेता है। आप जो है अलग से गद्दा भी ले सकते हैं, पर दोस्तों क्योंकि दूसरी जगह जाते हैं पता नहीं वहाँ मच्छर होंगे कि नहीं होंगे, इसी का ध्यान रखते हुए बस हमने जो है नेट वाला लिया है, जिससे हमारे गोपाल जी को कोई दिक्कत ना हो। उनकी हमें सबसे ज़्यादा परवाह करनी चाहिए क्योंकि हमें अपना जिससे ज़्यादा गोपाल जी का ध्यान रखना है। तो देखिए दूसरी चीज़ हमने लिया दोस्तों स्नान के लिए प्लेट और जो है एक छोटा सा लोटा। अगर आपको स्नान कराने में कन्वीनियंट है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज़ जो है आप गुलाब जल से भी उनका मुख जो है इस रुमाल के थ्रू पोंछ सकते हैं। और ये लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है ये, इस पर हम गोपाल जी को बिठाएंगे जिससे कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए हमारे घर पर तो है जो है उनकी सेवा प्रॉपर नियमित होती है, पर कहीं जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पता नहीं दोस्तों किस तरह का है। तो इसलिए हमने एक सॉफ्ट टावल ले लिया। उसके लिए देखिए रज लिए है हमने, एक तुलसी के स्टिक्स लिए जिससे हम गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, कुछ कपूर है, श्यामा बिंदी है जो हम खुद लगाते हैं, उसमें कॉटन रखी है। बाई चांस श्रृंगार में कुछ ऊपर नीचे हो तो उसको हम साफ़ कर सकते हैं हल्की हल। और देखिए एक हमने लिया स्टोन तिलक, बाई चांस गोपाल जी का मन हुआ कि उन्हें स्टोन तिलक लगाना है तो वो हमने रख लिया है, क्योंकि दोस्तों हमारे गोपाल जी आप जानते हैं कितने नटखट हैं। और देखिए हमने कलावा भी रखा है जिससे कि श्रृंगार में कुछ ऊपर नीचे हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ कमरबंद भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, एज अ पोशाक को ठीक करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी हमने रख लिया, आप लोग भी रख सकते हैं दोस्तों ये सब सामान। और देखिए उसके बाद लिया है हमने एक मिरर, क्योंकि दोस्तों कुछ सेवाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं गोपाल जी की, जैसे इत्र सेवा है, दर्पण सेवा है और बाकी सेवाएं भी दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। तो हमने इसके लिए जो है मिरर रख लिया है। और देखिए पोशाक हमने काफ़ी सारी रखी है क्योंकि हम ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं दोस्तों। आप अपने हिसाब से जो है जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतनी पोशाक, या फिर आप उससे थोड़ी हाफ़ पोशाक रख सकते हैं। हम क्योंकि वीक बाइस पहनाते हैं तो इसलिए हमने जो है पोशाकों को इस प्रकार रखा है। और इस प्रकार के पॉलीथीन में जो है दोस्तों आसानी से जो है ऑर्गेनाइज रहती हैं ड्रेसेस और इजीली पहुंच जाती हैं, उनको कोई ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं सामान के साथ। तो इसलिए हमने इस तरह की पॉलीथीन में ड्रेसेस को रख लिया है। इन ड्रेसेस के अलावा देखिए हमने गोपाल जी के लिए कुछ इस तरह के सूट भी रखे हैं जो कि बहुत लाइट वेट हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल हैं। और देखिए इस तरह के जो है हम धोती कुर्ता लाए थे हमारे गोपाल जी के लिए जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत कम्फर्टेबल हैं। तो इनको भी हम जो है मन करा तो पहना लेंगे, अगर हमारे गोपाल जी का मन किया तो। उसके तरह देखिए दोस्तों ये कुछ BIB सूट्स हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत आरामदायक रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठाकुर जी को सबसे आरामदायक चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम अपनी तैयारी कितने अच्छे से करते हैं और ठाकुर जी के लिए कुछ भी नहीं करते, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें ठाकुर जी के लिए अपने से 10 गुना ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि वो हमारे ठाकुर हैं, वो हमारे इष्ट हैं, इसलिए सबसे अच्छी चीज़ें उनके लिए करनी है हमें। देखिए उसके बाद जो हमने थोड़े श्रृंगार के लिए मालाएँ रख ली हैं, कुछ इसमें चोकर हार हैं, आपको देखिए एक एक करके दिखाते हैं। इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी मालाएँ हमने रख ली हैं क्योंकि दोस्तों ये जो पोशाक होती हैं उनके साथ ईजिली जो है ये मैच हो जाती हैं। बड़ी बड़ी मालाएँ आप देख सकते हैं इस तरह की गोल्डन लुक में है कुछ मालाएँ, जो कि हर पोशाक के साथ ऑलमोस्ट मैच हो जाती हैं। कुछ चोकर हार आप जो है कॉमन रख सकते हैं जो कि हर पोशाक के साथ ऑलमोस्ट मैच हो जाते हैं। और देखिए जब भी आप बाहर जाएं तो इतना वो ना करें कि हमें मैचिंग, क्योंकि कभी कभी ठीक रहता है दोस्तों, क्योंकि ठाकुर जी हमें बस उनकी सेवा महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि उनकी भोग सेवा ना छूटे,
हम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बस ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमने को जो है पगड़ियाँ भी रख ली हैं, जो कि हमने बहुत कॉमन कलर रखे हैं, जैसे वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, येलो है, तो इस तरह के जो है कॉमन कलर्स रखे हैं, जो कि हर पोशाक के साथ, फिर से बता रहे हैं, मैच हो जाते हैं। ठाकुर जी के लिए दोस्तों आप जो है एक मुकुट ज़रूर रखें। क्या होता है कभी कभी पगड़ियाँ मैच नहीं होती हैं पोशाक के साथ, उस केस में जो है हम ठाकुर जी को मोर मुकुट धारण करा सकते हैं, जो कि उन पर बहुत प्यारे लगता है और हमारे ठाकुर जी को पसंद भी बहुत है दोस्तों। उसके बाद देखिए ठाकुर जी की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, वो है इत्र सेवा। तो जो है हमने ठाकुर जी के लिए दो इत्र रखे हैं, एक है उनकी मालिश का इत्र, जो कि हम खस यूज़ करते हैं गर्मियों में, और दूसरा है उनके कपड़ों पर लगाने के लिए जिससे वो सुगंधित रहें, वो है दोस्तों मोगरे का इत्र। गर्मियों में दोनों ही इत्र बहुत अच्छे होते हैं, तो इस तरह से जो है हमने इत्र सेवा के लिए रखा, क्योंकि इत्र सेवा ठाकुर जी की बहुत ही मुख्य सेवा में आती है। अगर आप पूरी बॉटल इत्र की नहीं ले जा सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉटन में जो है आप इत्र लगा लीजिए, उसको जिपलॉक में रख लीजिए, जब भी आपको ठाकुर जी को इत्र समर्पित करना, आप थोड़ा सा कॉटन लेके ठाकुर जी को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी हमने रखी हैं धूप बत्ती, कुछ बत्तियाँ, अगर आप चाहें तो आप बत्तियाँ भी रख सकते हैं, नहीं तो धूप भी पर्याप्त होती है जब भी आप घूमने जाएं। उसके बाद देखिए उनके दूध का गिलास है ये, जो कि हमने छोटे साइज़ में रखा है, सही रहता है दोस्तों ट्रैवलिंग में से ले जाना। उसके बाद उनके लिए जल का और भोग के लिए एक हमने लोटा रखा है छोटा सा, और एक कटोरी रखी है। उसके बाद देखिए गुलाब जल है दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप थोड़ा सा गुलाब जल और ऐसे थोड़ा रुमाल में लेके आप ठाकुर जी को पोंछ देंगे उनका श्रृंगार, तो जो है उनका स्नान ही माना जाएगा जब भी आप उनको ले जाते हैं कहीं बाहर। उसके बाद उनका श्रृंगार कर दिए, गोपी चंदन या फिर जो भी चंदन आप यूज़ करना चाहें, हम लोग जो है गोपी चंदन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है भोग सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है पंचमेवा लिया है, इसमें आप इलायची भी ज़रूर लें, क्योंकि इलायची भी जो है भोग में आती है, और थोड़ी सी मिश्री रखी हमने, तो जो है हम डेली ठाकुर जी को इसका भोग लगा देंगे। और देखिए तुलसी जी हर जगह उपलब्ध नहीं होती हैं, तो इसके लिए जो है हमने तुलसी माला ले ली है, इसे जो है ठाकुर जी भोग लगा लेंगे, इनको हम ठाकुर जी के पास रखेंगे और बस उनसे प्रार्थना करेंगे कि तुलसी जी के आवभाव में आप इस तुलसी माला से ही जो है भोग लगाएं, तो जो है उनकी भोग सेवा भी चलती रहेगी दोस्तों, या तुलसी जी के आवभाव में कर सकते हैं। और देखिए हमने लिया है एक मोरपंख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को नज़र अक्सर लग जाती है, जो है मोरपंख से नज़र नहीं लगती है, बस इसीलिए जो है मोरपंख ज़रूर रखें। उसके बाद देखिए ठाकुर जी को रात को सुलाने के लिए जो है नाइट सूट्स हैं, इनको पहना देंगे तो बहुत ठाकुर जी बहुत आराम से जो है नींद लेंगे अपनी। और देखिए उसके बाद जो है हमने ठाकुर जी के लिए एक बॉटल ले ली है, प्लास्टिक हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं प्लास्टिक, इसलिए जो है बस हमने स्टील की बॉटल ली है। इसमें जो है हम थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिला देंगे, तो जो है ठाकुर जी की जल सेवा भी जो है चलती रहेगी। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप तुलसी जी के कुछ पत्तों को तोड़कर एक जिपलॉक बैग में रख लीजिए, और वो जो है 6-8 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, आप उससे आसानी से जो है ठाकुर जी को भोग सेवा प्रदान कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई दिक्कत है, आप नहीं ले जा सकते हैं, तो जो है तुलसी माला भी पर्याप्त है, उससे भी जो है ठाकुर जी आसानी से भोग लगा लेते हैं, शास्त्रों का भी यही मत है, तो जो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो यही सब सामान था दोस्तों जो हमें जब भी हम गोपाल जी को बाहर लेकर जाते हैं वो हमें चाहिए होता है। और देखिए ये हमने बिल्कुल बाकायदा सामान बता दिया है, जो आप जब भी पैकिंग करें इस वीडियो को खोल के आप यूज़ कर सकते हैं हमारी पैकिंग लिस्ट को। तो देखिए जो है गोपाल जी की हमने कोई ज्वेलरी नहीं रखी है, जैसे कि आप कहेंगे बंसी है, बाल हैं, कानों के हैं, तो दोस्तों ये जो है हमने फिक्स कर रखे हैं, जैसे कि हमने कड़े भी जो है एक जोड़ा ले रखे हैं अच्छे से, जो है वाइट एडी में है, तो उनको जो है हम पहनाए रखते हैं, कानों के भी हमने एडी में ही ले रखे हैं, बंसरी जो है हमारी चांदी की है, और केश तो दोस्तों आपको पता ही है फिक्स रहते हैं, तो ये सब सामान जो है हम पहना के रखते हैं, इसीलिए जो है ना उतरते हैं वो सामान कभी, तो हमें कैरी भी नहीं करने पड़ते हैं, और ट्रैवलिंग में बहुत आसानी होती है दोस्तों। और एक बात और, आप ट्रैवलिंग में कोई भी कॉस्टली सामान ना रखें, जैसे सोना चांदी ज़्यादा ना रखें, थोड़ा दिक्कत आती है दोस्तों, डर भी रहता है, तो इसीलिए आप जो है ठाकुर जी का इसी तरह से पैकिंग करें दोस्तों, और बहुत अच्छे से ठाकुर जी की पैकिंग करें, तो क्योंकि दोस्तों वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे ठाकुर जी, उनको कोई दिक्कत ना हो इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है, और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रैवल कराना है। और देखिए कैसा लगा आपको दोस्तों ये वीडियो, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको दोस्तों पसंद आई आज की वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए को वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर हमसे कोई सामान छूट गया हो, आपको लगता हो कि ये सामान हमें ले जाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों, और शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों।